से छत पर वो कपड़ों वाली रस्सी टूट गई थी, इसीलिए तू। हे भगवान, तू इतनी सेंसिटिव क्यों है सुमन? वो रस्सी तो कब की ठीक हो गई छत पर। चल अब तू भी ठीक हो जा, चल मेरे साथ। नहीं कंचन, हम थोड़ी देर यहीं रहेंगे, तुम चलो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले उदास कैसे बैठने दे सकती हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी मेरे घर में ऐसे रहे, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। चल मेरे साथ, चल। तेरे चक्कर में मैं तुझे बताना ही भूल गई, मम्मी कब से तुझे बुला रही है, सब लोग साड़ियां ले रही है, हमें भी लेनी है। सुमन, शादी की खुशियों में उदासी वाले रंग अच्छे नहीं लगते, चल हम सबसे बेस्ट साड़ी सेलेक्ट करेंगे, चल आ। वो दिखाइए। ये देखिए, अरे अम्मा की भी साड़ी बहुत अच्छी है। मुझे मुझे वो बड़े बॉर्डर वाली दिखाइए ना। ये देखिए, आजकल वही फैशन में है। फैशन? अरे इस छोटे से गांव में बैठ के क्या पता चलेगा आपको फैशन के बारे में। हमारे दुबई में होती हैं फैशनेबल चीजें, ऐसी ऐसी साड़ियां मिलती हैं, रिवोली और अपना वो मीना बाजार। अच्छा, तो फिर दुबई से ही साड़ियां क्यों नहीं लेकर आई, यहाँ क्यों देख रही है? वो ली थोड़ी ना है मैंने, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। ओहो हो, तो फिर वो पीछे चार साड़ियां छिपा के रखी है, वो किस लिए? अरे दुबई वाली विद्या, अब हंसी ठट्टा बंद करो और अपने लिए साड़ियाँ पसंद कर लो। हाँ भैया जी, अच्छी साड़ियाँ दिखाओ, वरना मैं पूरे गांव में कह दूंगी आपसे कोई साड़ी ना खरीदेगा, और दाम बिल्कुल सही लगाना। अरे दादी माँ, आप साड़ी तो पसंद कीजिए, दाम की बात किसने किया आपसे? बहू, ये तो हमने खाने पर हम रानी कलर की साड़ी पहनी। अच्छा हा? और ये लाल वाली साड़ी ब्याह वाले दिन चटक चूड़ियों के साथ। हाँ। अरे सुमन कंचन, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ अपने लिए भी कुछ पसंद कर लो। बेटा सुमन, यहाँ बैठो। वाह, कितनी सारी साड़ियाँ हैं। सुमन देखो तो, ये येलो, ये पिंक वाली और ये रेड वाली तो कितनी सुंदर है, ये ग्रीन। सुमन ये देख कैसी लगी? अच्छी है। कुछ जचा नहीं बेटा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए साड़ी इससे भी सुंदर होनी चाहिए। भाई साहब कुछ और दिखाइए मेरी सुंदर सी बेटी के लिए, ये नहीं चलेगी। क्या बात है माँ, शादी पिंकी की और ऐश आप सबके। अरे ऐश तो तेरी भी हो जाएगी जब तेरे नए नए कपड़े आ जाएंगे।